बीते दिनों शहर के इंदिरा नगर क्षेत्र में फर्शी खरीदने की बात पर यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ दुकानदार ने अभद्रता और गाली गलौज की थी। इस मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। हालांकि अब तक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले यादव समाज के लोग एसपी ऑफिस पर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को दिया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि मारपीट और गाली गलौज करने वाले आरोपी हरगोविंद तिवारी और विजय तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसके साथ उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों पर यादव मंडी निवासी दिनेश यादव के साथ अभद्रता और गाली गलौज का आरोप है। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि गोयल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला महामंत्री पुष्कर सिंह चौहान, लाखन यादव, उप सरपंच सुवाखेड़ा दिग्विजय यादव, कुंदन यादव, सतीश यादव, अजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोहन यादव, गौरव यादव, दर्शन यादव, मनोज यादव, हेमंत यादव सहित पदाधिकारी व सभाजन उपस्थित रहे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।